हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे रेफरेंसिंग की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैलसी दोनों में इसका नाम रेफरेंसिंग है। ये तीन तरीके की रेफरेंसिंग की बात है यहाँ पर, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट। तो इस बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन हम उन एग्जांपल्स को और ज़्यादा शॉर्ट करके समझेंगे और कुछ एक प्रैक्टिकल्स के थ्रू हम बहुत ईजीली इन रेफरेंसिंग का जो मीनिंग है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैलसी को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वहां मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक शीट डिजाइन की हुई है। ये है लिब्रे ऑफिस कैलसी की एक वर्कशीट जिस पर हम समझेंगे। यहां पर सिंपल दो सेलों को मर्ज करके लिखा हुआ है रेफरेंसिंग एग्जाम्पल। यहां पर हम रिलेटिव का रेफरेंसिंग एग्जाम्पल समझेंगे, यहां एब्सोल्यूट और यहां मिक्स्ड। एक्चुअल में जो सीक्वेंस है वो रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स का है। यहाँ कुछ वैल्यूज हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेटिव रेफरेंस को समझने के लिए मैं यहां पर एक फॉर्मूला टाइप कर रहा हूं, इक्वल A2 इंटू B2। यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं A2 सेल की B2 सेल से। तो A2 में है 2 और B2 में है 1, तो 2 1 2। तो रिलेटिव के हिसाब से यहां पर अगर आप देखेंगे इनपुट लाइन पर फॉर्मूला है A2 इंटू B2 और रिलेटिव रेफरेंसिंग सिंपली यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब इस मल्टीप्लीकेशन को इस सेल के राइट हैंड साइड पर जो बॉर्डर पर एक हल्का सा हमें स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं इस शीट का, तो ये जो स्क्वायर डॉटेड स्क्वायर है आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाकर आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला ऊपर C2 पर हमने अप्लाई किया था वो फॉर्मूला नीचे के सेल्स पर भी अप्लाई हो गया है। यहाँ पर 6 आ रहा है 3 और 2 की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर 12 है 4 और 3 की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आंसर 20 है 5 और 4 की मल्टीप्लाई, 6 × 5 = 30। तो हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पर टाइप किया था A2 into B2 और जैसे ही हमने नीचे वाले सेल को ड्रैग किया ऊपर वाले सेल से और जब हमने इस सेल को देखा तो यहाँ ऑटोमेटिकली A3 into B3 हो गया। तो इसी तरीके से नीचे वाले सेल पर भी रिलेटिवली ये वैल्यूज चेंज होती रही सेल की, यहाँ A4 B4, A5 B5, A6 B6। तो एक्चुअल में रिलेटिव रेफरेंसिंग यही है कि जब आप एक फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूले को आप रो वाइज या कॉलम वाइज इंक्रीज करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस सेल वैल्यूज अपने फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। तो ये है रिलेटिव रेफरेंसिंग जिसमें फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सेल्स अपने आप चेंज होता है। अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की तो यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी तो होगा लेकिन वैल्यूज चेंज नहीं करेगा। इसको समझते हैं, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम यूज करेंगे डॉलर साइन का। अभी अगर हम पहले वाले सेल पर देखें, हमने यहां पर जो फॉर्मूला लगाया A2 into B2 यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस डॉलर साइन का यूज करेंगे। यहां पर हम लिखते हैं इक्वल डॉलर A डॉलर 2 मल्टीप्लाई डॉलर B डॉलर 2। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर तो 2 मिलेगा, लेकिन जब हम इस ब्लैक डॉटेड स्क्वायर को ड्रैग करके नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे जहां तक भी मैंने इसको इंक्रीज किया है वहां तक वैल्यू मुझे 2 ही मिल रही है। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को चेक करूं तो यहां पर A2 B2 ही है, यहां पर भी A2 B2 है, यहां पर भी A2 B2 है। इट मीन्स कि रिलेटिव में वैल्यूज फॉर्मूला चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली जैसे सेल्स की वैल्यू बदलती है, लेकिन एब्सोल्यूट में अगर आपने डॉलर सिंबल यूज किया है तो वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। मिक्स रेफरेंसिंग, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट, यानी दोनों तरीके के हम सेल का रेफरेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां लिखते हैं इक्वल्स टू डॉलर A डॉलर 2 मल्टीप्लाई B2। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने A2 सेल को ब्लॉक कर दिया है डॉलर साइन लगाकर, जबकि B2 को मैंने सिंपल रिलेटिव रेफरेंस में लिखा है। इट मींस अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू 4 है,
यानी यहां पर फॉर्मूला था ए टू इंटू बी टू, और जैसे ही हम नीचे वाले सेल का फॉर्मूला देखेंगे तो ए टू तो ब्लॉक है लेकिन बी टू की वैल्यू बी थ्री हो चुकी है। तो ये है हमारी मिक्स सेल रेफरेंसिंग, जिसमें वैल्यूज जो है एक रिलेटिव का पार्ट चलता है और एक एब्सोल्यूट का पार्ट चलता है। तो तीनों तरीके की रेफरेंसिंग सिंपल है। हम इस पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं, व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं, और व्यू मेन्यू पर हमारे पास में एक ऑप्शन है शो फॉर्मूला। जैसे ही हमने शो फॉर्मूला पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है इस पूरे सेल का। आपको यहाँ इजीली समझ में आएगा कि रिलेटिव में सिंपल सेल लिखते हैं जो सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, और एब्सोल्यूट में डॉलर साइन लगाया तो फॉर्मूला आप कितना ही कॉपी करिए वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही उठाएगा। मिक्स रेफरेंसिंग में जो आपने डॉलर साइन लगा के सेल को ब्लॉक किया वो सेल ब्लॉक रहेगा, लेकिन दूसरे सेल को हमने फ्री रखा, रिलेटिव रखा, तो वो उसको एज इट इज लेकर के चलेगा। तो ये प्रैक्टिकली हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है कि जिससे हम रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स तीनों तरीके की रेफरेंसिंग इजीली समझ सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिए कि व्हेन यू ड्रैग एनी फॉर्मूला इन एनी रो और कॉलम और एनी डायरेक्शन द फॉर्मूला गेट्स कॉपीड इनटू द न्यू सेल विद द रिलेटिव रेफरेंस। तो जब भी आप कॉपी करोगे तो रिलेटिव रेफरेंस के बिहाफ पर वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि पेंसिल 4, प्राइस है उसका, क्वांटिटी उसकी 20 है। जैसे 4 और 20 की मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू C2 इनटू D2, तो सेम फॉर्मूला नीचे वाले सेल पर C3 D3 हो गया, C4 D4 हो गया, C5 D5 हो गया, C6 D6 हो गया। तो दिस इज द थिंग, ये एक रिलेटिव रेफरेंस है जो वैल्यूज जैसे ही चेंज होती हैं, सेल की वैल्यू बदलती है, वैसे ही वो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एक और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर शो द फॉर्मूला इन सेल यूज्ड इन फिगर। तो यहाँ पर एक पूरी वैल्यू कैलकुलेशन दी है सैलरी के लिए कि यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, CPF, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला भी दिया। और जैसे ही आप इसे सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस के तौर पर आपके लिए काम करेगा। जैसे यहाँ लिखा है इक्वल टू सम C2 G2, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू सम C3 G3। तो ये वैल्यूज अपने आप चेंज होंगी, यानी कि फॉर्मूला कॉपी होगा और रिलेटिव सेल रेफरेंस के आधार पर, बेस पर ये वैल्यूज बदलती चली जाएंगी। ऐसे ही मिक्स सेल रेफरेंसिंग की बात की तो एज वी हैव सीन व्हेन वी ड्रैग द फॉर्मूला रो नंबर और कॉलम नंबर गेट चेंज इन रिलेटिव रेफरेंस अगेन कंसिडर। तो यहां पर मिक्स की बात हो रही है, यहां पर भी सिंपल वही कैलकुलेशन रिलेटिव की बताई गई। मिक्स के लिए एक एग्जाम्पल लिखा, नाउ मॉडिफाई फॉर्मूला इन सेल H2 + C $14। इट मीन्स H2 की वैल्यू तो चेंज होगी, H2 में यहाँ लिखा हुआ है 281 टोटल मार्क्स, और C14, यहाँ पर C14 सेल नजर भी नहीं आ रहा है, तो उसमें कुछ वैल्यू रही होगी जिसे हमने फिक्स कर दिया है डॉलर साइन लगा करके। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात करें तो इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग द डॉलर सिंबल इज यूज्ड बिफोर द कॉलम नेम एज वेल एज रो नंबर टू मेक इट कॉन्स्टेंट, यानी कि उसे कॉन्स्टेंट रखने के लिए, उसे ब्लॉक करने के लिए। तो तीनों तरीके की रेफरेंसिंग है, एग्जाम्पल भी दिया। सिंपल A1 लिखा है तो ये रिलेटिव है, डॉलर A1 लिखा है तो ये मिक्स है, क्योंकि डॉलर ए से हमने ए को ब्लॉक किया, वन को ब्लॉक नहीं किया। डॉलर ए मतलब ए जो कॉलम है उसको हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन वन हमारा फ्री है, यानी वन की वैल्यू विल बी चेंज। ए डॉलर वन किया तो भी ये मिक्स है क्योंकि ए को फ्री कर दिया है, अब हमने रो को ब्लॉक किया है। डॉलर ए डॉलर वन लिखे तो ये एब्सोल्यूट है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल में डिक्लेरेशन भी दिया है, रिलेटिव कॉलम लेटर इज एब्सोल्यूट, यहाँ रो लेटर इज, रो नंबर इज एब्सोल्यूट, और यहाँ नो चेंज। अगर आपको रेफरेंसिंग को लेकर अब भी कोई इश्यूज हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए।